हर महादेव। अभी हम एक जगह जा रहे हैं वॉक करने के लिए और जगह का नाम सभी बताएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग मुस्काबाद जा रहे हैं, चलिए बॉस का आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों मैं अभी मुस्काबाद के एक ऐसे मंदिर के यहाँ जा रहा हूँ जहाँ पे लोग श्रद्धा से जाते हैं तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मखना के एक मंदिर में आ गए हैं जो कि मुस्काबाद के बगल में ही है। तो चलिए आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं और ये मंदिर का नाम है श्री अष्टभुजी माता का। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग मंदिर पे आ गए हैं। और तो चलिए मंदिर के आपको अंदर लेके चलते हैं। तो आपको यहीं से देख लीजिए। तो चलिए थोड़ा चलते हैं, यहाँ पे बोर्ड रखते हैं। तो चलिए अभी हम लोग एक मुस्काबाद के मंदिर में चलेंगे जहाँ पे हमने एक भैया को बुलाया है, वो आएंगे हमें एक्सप्लेन करेंगे और आपको भी दिखाते हैं कौन सा मंदिर है, हमें खुद नहीं पता है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर पे आ चुके हैं मुस्काबाद के आशापुरा माता का मंदिर है और यहाँ पे हमारे भैया मिले हैं जो हमको एक्सप्लेन करेंगे। भाई इनसे मिलाइए। ये हमारे गांव से कुल देवी आशा देवी के मंदिर है और आइए आगे देख सकते हैं आपको। अब आगे आओ। दोस्तों अभी हम देख सकते हैं मंदिर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे भोले बाबा हैं जैसे कि आप देख ही सकते हैं। भाई आप आपको और आगे देवी और देवताओं को दिखाते हैं। तो चलिए आपको आगे लेके आते हैं और यहाँ पे हमारा शिवलिंग है जैसे कि आप देख ही सकते हैं। भाई आपको आगे से इस साइड से दिखाएंगे तो क्लियर दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा शिवलिंग है और यहाँ पे हमारी नंदी महाराज हैं और यहाँ पे कासा देवी माता का शिवलिंग है टाइप का है। और यहाँ माता का है अभी चाबी लाने का है भैया तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे आइए देखिए हनुमान जी हैं और यहाँ पे हमारे भोले बाबा हैं और चलिए देख लीजिए पास से। भाई आप देख लीजिए भगवान का भी था वहाँ पे भी आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं शनिदेव भगवान है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, आइए अंदर ले चलते हैं आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर का पूरा पीछे का व्यू है, वहाँ पे चारों तरफ दिखा दो। और वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे सारा पेड़ वेड़ है सब। चलिए इस साइड आइए। और दोस्तों यहाँ पे हमारे सूर्य देवता हैं जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो आइए आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे गणेश भगवान हैं गणपति बप्पा मोरिया। और अभी यहाँ पे चाबी आ रहा है तो आप अंदर लेके चलेंगे तो तक वेट करिए। चाबी आ चुका है तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आइए अंदर आइए। अभी आप देख सकते हैं आशापुरा माता का मंदिर है, मतलब आशापुरा माता है यहाँ पे। और ऊपर दिखा दीजिए और यहाँ पे एक और भैया है उनको दिखा दो। और यहाँ पे देख सकते हैं माता जी हमारी और यहाँ पे सारा फूल चढ़ा है जैसे आप देख सकते हैं। एक बार चारों तरफ से दिखा दो। जब भी यहाँ पे हर कीर्तन या भजन होता है चीज होता है तो चलिए भी आप बाहर देख सकते हैं और बाहर से दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्विमिंग पूल में आ चुके हैं, मतलब देसी स्विमिंग पूल। और
और देखने से लग रहा है कि गहरा बहुत ज्यादा होगा। तो चलो सागर नहा के दिखाओ सागर। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं जान पहचान के भैया लोग मिले हैं, और जूम करके दिखा दो। चलिए अभी आप और आगे दिखाते हैं। चलो सागर का ये शायद कुछ मुर्गी या तो किसी के लिए बना होगा, मछली या मुर्गी के लिए। मछली मुर्गी दोनों के जैसे बोला मैंने। तो देखिए भैया लोग यहाँ पे जंप करने वाले हैं, दिखा दीजिए। दोस्तों हम लोग को भी देख के हम लोग को भी जाने का मन कर रहा है, पर क्या करें, हम लोगों ने कपड़े ही नहीं लाए हैं। और वैसे भी हम लोग शायद ही नहाते हैं क्योंकि हम लोग को तैरना नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता है हम लोग में। और दोस्तों देखिए देखते हैं कितना गहरा है। चलिए आगे, उधर एक डी बाबा है, देखते देखते यहाँ पे एक डी बाबा है, चलिए आपको चल के वहाँ पे दिखाते हैं। चलो पास से दिखा देंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग एक काली माता के मंदिर पे आ चुके हैं, तो आइए आपको अंदर भी चलते हैं। चलिए अंदर ले चलते हैं आपको। तो चलिए अभी आपको एक दूसरे जगह ले चलते हैं और वहां पे आपको आपसे मुलाकात करते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मोहनदास बाबा के कुटिया पे आ चुके हैं, और यहाँ पे हरकीर्तन हो रहा है, तो मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, उसके लिए माफी चाहूंगा। आइए अंदर आपको दिखाते हैं। मोहनदास बाबा है, और इन्हीं के अपोजिट में सेम वहाँ पे मंदिर है। चलिए आप मंदिर के पास लेके चलते हैं। उससे पहले आप एक यहाँ पे मंदिर यहाँ पे देख लीजिए। तो हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लक्ष्मी माता है। यहाँ पे मोहनदास बाबा है और यहाँ पे दुर्गा माता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं।
पे जो बाबा रहते हैं वो है। और मंदिर के पूरा जग साला है, यहीं पे हर साल जग होता है। तो आइए आपको करीब से दिखाते हैं। जग होता है उदय विजय। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए।